नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुटेक में। AKTU के बचे हुए छात्रों का रिजल्ट के रिगार्डिंग मैंने कहा था कि आज डेट है वो है 6 जुलाई 2023, और आज से आपको अगेन जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू होंगे। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था 3 के बाद, यानी कि 4 को रिजल्ट आएगा, BCA, MCA, MBA, इनमें से एक का, तो आया MCA का। अब आज फिर मैं आपसे बताने वाला हूँ इन कोर्स के छात्रों का रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल जो है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, इधर वो बीटेक के हों, बी फार्मा के हों, या फिर MBA सेकेंड ईयर के, सर हमने एग्ज़ाम दे दिया है, इवन सेम का रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि उन छात्रों को जॉब भी करना है और आगे की पढ़ाई भी करनी है। सारी चीज़ों को कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और बन जाएं इस फैमिली का हिस्सा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी दें। तो आज की डेट में AKTU कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो जारी करेगा। मोस्ट प्रोबल चांस है कि MBA सेकेंड ईयर जिन्होंने जनवरी में एग्ज़ाम दिया था उन छात्रों का, और BCA के जो लास्ट ईयर के छात्र हैं BR के, उन छात्रों का रिजल्ट में भी आज जारी कर दिया जाए AKTU की तरफ से। ये हो गई एक बात। अब आते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की तरफ, क्योंकि उनका सवाल है कि सर हमने मान लीजिए हम फॉरेन कंट्री में एडमिशन ले रहे हैं या फिर दूसरे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो भाई रिजल्ट का आना बेहद ज़रूरी है। और रिजल्ट का इसमें ये हाल है, रिजल्ट का ये आलम है कि अभी तक इन छात्रों का जो रिज़ल्ट है, अभी एग्ज़ाम दिया जून एंड तक और जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है, और रिज़ल्ट को लेकर छात्र परेशान हैं कि 20 जुलाई 25 जुलाई आखिर कब तक आएगा, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट ज़रूरी होता है लास्ट सेम वालों को। आई होप चीज़ें आप समझ रहे हैं, फाइनल ईयर वाले तो अच्छे समझते हैं, बाकी बच्चों को मैं कह रहा हूँ। तो ये हो गई। तो इन छात्रों को मैं यही कहूँगा कि इनका रिज़ल्ट अगस्त के फर्स्ट वीक और अगस्त के सेकंड वीक में देखने को मिल सकता है, यानी कि इसमें भी कोई अश्योरिटी नहीं है, क्योंकि AKTU की जो पूरा भी प्रोसेस मैं आपसे कहूँ वो सारी चीज़ें डिले चल रही हैं। आइदर वो जनवरी का रिज़ल्ट जारी करना हो, पिछले साल के स्पेशल कैरियर के पेपर का रिज़ल्ट जारी करना हो, या फिर मार्च के रेगुलर और COP के छात्रों का पेपर जारी करना हो रिज़ल्ट, इन सभी मामलों में AKTU दिन प्रतिदिन पीछे होता चला जा रहा है। और सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे भी छात्र काफ़ी हताश हैं, और आने वाले समय में अगर इस हिसाब से गाड़ी अगर AKTU की पटरी पर नहीं आई तो जो छात्रों का इंतज़ार है वो लंबा जा सकता है। यानी कि मैंने कहा था सेकंड वीक ऑफ जुलाई जो है, मार्च में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका रिज़ल्ट आएगा, वो तो बातें ठीक हैं, उस दौरान भी सही थी, आज के लिए भी सही हैं, लेकिन क्या सवाल ये है कि 8 जुलाई से पहले जनवरी में जितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था रेगुलर COP, उनका रिज़ल्ट आ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि रिज़ल्ट आज से आना शुरू होगा, देखते हैं जिस क्रम में भी जैसे भी रिज़ल्ट आता है छात्रों का, वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो मैं बता दूंगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो, जिससे कि हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम से पहुँचे। चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।